अच्छा देखो, कोडिंग डेटा जो है, कोडिंग डेटा में हमारे पास जो हमारा मेन टॉपिक है वो ये है कि कोडिंग डेटा बेसिकली जो है, हम जब डेटा कोड करते हैं, ठीक है ना, तो मीन तो चेंज हो जाता है, ठीक है, ऊपर ऊपर की बात जो है, द कंक्लूजन इज मीन चेंज हो जाता है, लेकिन हमारे पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो रिमेंस अनचेंज, ठीक है, ये बात है। अब वो समझेंगे कैसे, वो उतना देखो देखो हमारे पास ये है कि हमारे पास स्वीट्स के बैग्स दिए हुए हैं, ठीक है, स्वीट्स के बैग दिए हुए हैं, उनका वेट कुछ है 75 ग्राम्स, नॉमिनल वेट इज 75 ग्राम्स, और 10 बैग्स आर, 10 बैग को हमने पिक किया रेंडमली, उनके वेट्स ये हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि नॉर्मल नॉर्मल जो वेट है ना, जो ओरिजिनल वेट है, ओरिजिनल डेटा, उसका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। फिर उन्होंने बोला हुआ है कि हमारे पास हर हर वेट में, यानी हर वेट में अगर 3.2 ग्राम्स कम हो जाए, पहले तो हमने ओरिजिनल वेट्स का हम निकालेंगे मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन, फिर हम स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन निकालेंगे, अगर इन सब वेट्स में 3.2 ग्राम कम हो जाए तो फिर हम देखते हैं कि हमारा मीन और डेविएशन में क्या फर्क पड़ेगा। सही है। अच्छा देखो, हमारे पास जैसे ये है, इसका हम मीन और डेविएशन निकाल सकते हैं, ठीक है, इसे हम क्या, समेशन ऑफ एक्स अपॉन टोटल वैल्यूज को प्लस करके डिवाइड पर ऐड कर दो, ठीक है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, हमारे पास मीन आ जाएगा 74.6, ठीक है। और स्टैंड डेविएशन हमारे पास कैसा आएगा, जो हमारे पास नॉर्मल फार्मूला था, क्या ये था ना, रूट समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस, यहाँ पे फार्मूला डालो, स्टैंड डेविएशन कैसा आएगा, रूट समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस मीन का होल स्क्वायर, ठीक है। तो डायरेक्ट हमारे पास जो सम ऑफ वैल्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज हो तो 74.06 आ जाएगा, सारी जो वेट्स हमें दिए हैं उसको सबका स्क्वायर करके सम कर लो, और जो वेट्स टोटल कितने हैं वो एन होगा, कितना वेट है, 10 बैग्स आर फिल्ड ना, एन इज 10, ठीक है, और मीन हमने निकाला हुआ 74.06, वो हम यहाँ डाल देंगे, तो स्टैंड डेविएशन हमारा डेटा डालने के बाद ये आ जाएगा 1.16, ठीक है, ये तो हमारा आ गया अच्छा, ओरिजिनल वेट। एन के अंदर अपने टोटल बैग्स डाले तो मतलब वो 10 क्यों डाले, वो ग्राम्स डालेंगे, एक बैग का वो वेट डालेंगे और 10 बैग डालेंगे नंबर। एन इज द नंबर ऑफ डेटा वैल्यूज, अच्छा कितने आइटम उन पिक किए हैं, आइटम उन्होंने 10 पिक किए हैं ना, हाँ, जो हमारा डेटा है वो 10 सही। का है, ठीक है, तो इसीलिए हमने एन यहाँ पर 10 डाला है, ठीक है, और मीन हमारे पास 74.0 था, ये तो आ गया। तो हमारे पास ये क्या है, ये ओरिजिनल ओरिजिनल जो वेट्स है उनका मीन और डेविएशन है। अब हम चाह रहे हैं कि अगर क्या हो जाए, वेट्स जो है वो क्या हो जाए, 3.2 ग्राम्स कम हो जाए, ठीक है, मतलब क्या था, देखो सॉरी मतलब हाँ, ये कह रहे हैं इट इज लेटर डिस्कवर्ड दैट 3.2 जो वेट्स की करेक्ट रीडिंग जो है वो 3.2 ग्राम्स कम थी, तो ओरिजिनल रीडिंग क्या होगी, 3.2 ज्यादा होगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यानी 76 76 में जब 3.2 ऐड करेंगे, पहला वेट कितना था, 76 था, ठीक है, दूसरा था 74.2, ठीक है, सारे ऐसे वेट दिए हुए थे, ये सारे वेट दिए थे और ये सारे ऐसे ऐसे चल रहे थे, ठीक है ना, 3.2 ग्राम कम था, इसका मतलब अगर इसमें 3.2 ग्राम ऐड करेंगे तो क्या होगा, 3.2 ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 79.2, यहाँ पर भी 3.2 ऐड करो हो जाएगा 77.4, इस तरह सब ओरिजिनल डाटा में 3.2 ऐड कर दो, ठीक है, तो लास्ट कितना था, 72.8, लास्ट हमारे पास था 72.8, तो ये 72.8 में कितना ऐड करो, 3.2 ऐड करो तो कितना बन जाएगा, 76.0 बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पर बस कि आप इन इन सब जो ये जो वेट्स हैं 3.2 ग्राम इजाफे के बाद, इनका अगर हम मीन निकालेंगे तो 77.2 से आएगा, देखो नया मीन तो चेंज हो गया, नया मीन तो चेंज हो गया। अब क्या है, अच्छा इसका जो डेविएशन निकलेगा नए का, वो जाहिर बात है इस मीन के हिसाब से निकलेगा, नए वाले मीन के हिसाब से निकलेगा, तो हम क्या करेंगे, 76 मतलब नया डेविएशन निकालने के लिए 77.26 यहाँ डालेंगे होल स्क्वायर, इन सब की रीडिंग्स को स्क्वायर करके सम ले लेंगे, ठीक वो आएगा, और अभी तो नंबर ऑफ वैल्यू 10 ही है, तो जब इसका डेविएशन निकालेंगे तो देखो 1.16, अगेन ये देखो क्या आ रहा है, जो पुराना डेविएशन है, ठीक है, और जो नया डेविएशन है वो दोनों सेम है, इसका मतलब हमारे पास अगर हम डेटा वैल्यूज चेंज करते हैं, ठीक है, तो पुरानी डेटा वैल्यूज का जो मीन होता है और नई डेटा वैल्यूज का जो मीन होता है वो तो चेंज हो जाता है, लेकिन डेविएशन क्या है वो अनचेंज रहता है, यानी फैलाओ, ठीक है। अब देखते हैं क्या है, अब ये जरा देखो, ओरिजिनल मीन था हमारे पास क्या, ये आपको नजर आ रहा है यहाँ पे 74.06, ठीक है, तो यहाँ मैं लेबल कर रहा हूँ, ठीक है,
74.06, ठीक है। अब देखो एक हमारा दूसरा मीन क्या है, 3.2 इजाफे के बाद 77.26, वो मैं यहाँ लेबल कर रहा हूँ, ठीक है, 77.26। अब जरा देखो मीन के आसपास जो वैल्यू होती है ना वही वेरिएशन कहलाती है और वही डेविएशन होता है, ठीक है। तो अब देखो मीन के आसपास कितनी वैल्यूज हैं, ये मीन है, मीन के आसपास कितनी वैल्यूज हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, दोनों तरफ 5-5 वैल्यू। तो यहाँ भी अगर हम कंपेयर करो तो ये मीन है, तो यहाँ पे इस नए वाले मीन के 3.2 ग्राम इजाफे के बाद ये जो मीन के लेफ्ट हैंड पे वैल्यू होगा 1, 2, 3, 4, 5, और यहाँ पे क्या होगा 1, 2, 3, 4, 5। तो इसका मतलब ओरिजिनल मीन और नए मीन के वैल्यूज तो चेंज हो गई, लेकिन जो इनका फैलाव है राइट और लेफ्ट वो दोनों सेम ही है। यानी यहाँ पे भी क्या हो रहा है, 5 वैल्यूज आ रही हैं, यहाँ पे भी 5 वैल्यूज आ रही हैं। हाँ, इसी तरह नए डाटा नए मीन के हिसाब से भी क्या है, यहाँ पर भी हमारे पास 5 वैल्यूज आ रही हैं और यहाँ पे भी हमारे पास 5 वैल्यूज आ रही हैं। तो इस वजह से क्या होगा कि हमारे पास डेविएशन रिमेन्स अनचेंज, सही है, या दूसरा लफ्ज़ों में वेरियंस रिमेन्स अनचेंज, ठीक है। अगर मैं जब भी बात करूंगा डेविएशन की, तो डेविएशन 1 और डेविएशन 2, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 स्टैंडर्ड डेविएशन 2 बराबर होगा। तो इसका मतलब अगर मैं डेविएशन की बात करूँ तो मैं वेरियंस की भी बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो वेरियंस भी दोनों सेम ही रहेंगे, सही है। तो ये बात बड़ी मेन है।